नमस्कार दोस्तों, कल शाम प्रधानमंत्री कार्यालय और रक्षा मंत्रालय द्वारा हमारी वीर सेना की बहादुरी का सर्जिकल स्ट्राइक का एक वीडियो जारी किया गया। उस परिप्रेक्ष्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से एक वक्तव्य के साथ हम हाजिर हुए हैं। भारतीय सेना ने अपने साहस, पराक्रम और बलिदान की भावना से देश को सदा गौरवान्वित किया है। 1947, 1962, 1965, 1971, 1999 के युद्ध में भारतीय सेना की बहादुरी व कुर्बानी की गाथा आज भी जन जन की जबान पर है। स्वयं से पहले भारत माता की सेवा और सर्वोच्च बलिदान देकर भी तिरंगे को सदैव आकाश में फहराते हुए देखना हमारी सेना और अर्धसैन्य बलों का एकमात्र सिद्धांत रहा है। पिछले दो दशकों में अलग अलग समय सटीक रणनीति से की गई सर्जिकल स्ट्राइक्स हमारी सेना की हिम्मत और दृढ़ता का परिचय देते हैं। देश को गर्व है कि हमारी बहादुर सेना ने पिछले दो दशकों में अनेकों बार सफलतापूर्वक सर्जिकल स्ट्राइक्स की है, खास तौर से साल 2000 के बाद, और उनमें से 9 मुख्य हैं। 21 जनवरी 2000 नडाला एनक्लेव नीलम नदी के पार, 18 सितंबर 2003 बरो सेक्टर पूंछ, 19 जून 2008 भट्टल सेक्टर पूंछ, 30 अगस्त और 1 सितंबर 2011 शारदा सेक्टर नीलम नदी घाटी में केल में, 6 जनवरी 2013 सावन पत्थर चेक पोस्ट पाकिस्तान, 27 और 28 जुलाई 2013 नाजा पीर सेक्टर पाकिस्तान, 6 अगस्त 2013 नीलम घाटी पाकिस्तान, 14 जनवरी 2014 आर्मी चीफ जनरल विक्रम सिंह के 23 दिसंबर 2013 को ही सर्जिकल स्ट्राइक बारे बयान, और 28-29 सितंबर 2016 डीजीएमओ का बयान और कल जारी हुए सर्जिकल स्ट्राइक के वीडियोस। 28-29 सितंबर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, तत्कालीन कांग्रेस उपाध्यक्ष और मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी एवं कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ किए गए सर्जिकल स्ट्राइक तथा हमारे देश के खिलाफ आतंकी मंसूबों को विध्वंस करने के लिए उठाए गए कदमों के लिए सेना की बहादुरी और सरकार को समर्थन दिया था। परंतु सत्ताधारी दल को यह याद रखना होगा कि हमारे साहसी सैनिकों के बेशकीमती बलिदान को मोदी सरकार व भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए वोट बटोरने का साधन नहीं बना सकते। दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी ने मार्च 2017 के उत्तर प्रदेश असेंबली चुनाव में सितंबर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक का लज्जाजनक तरीके से राजनीतिकरण किया। यहां तक कि भाजपा ने आगरा और लखनऊ में तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर जी के सम्मान समारोह तक बुला डाले। अनेकों प्रेस कॉन्फ्रेंस, पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिंग्स द्वारा भारी भरकम प्रचार प्रसार करते हुए सर्जिकल स्ट्राइक का पूरा श्रेय सेना की बजाय
भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी को दे डाला। देश के लिए जान की बाजी तो सैनिकों ने लगाई, परंतु भाजपा ने महिमा मंडन किया मोदी जी का। सच्चाई ये भी है कि सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिक और चुनावी फायदा लेने को आतुर भाजपा सरकार ने हर परंपरा और परिपाटी तोड़ दी है। भाजपा अध्यक्ष श्री अमित शाह ने तो हद ही कर डाली, जब सेना के 70 सालों के गौरवशाली इतिहास और बलिदान का अपमान करते हुए 7 अक्टूबर 2016 को दिल्ली में एक प्रेस वार्ता में यहाँ तक कह डाला कि 68 सालों में भारतीय सेना पहली बार LOC के पार गई है, और ये भी भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वो सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिक फायदा उठाएंगे। जवान की शहादत पर राजनीतिक रोटियां सेकने हेतु भाजपा ने शहीद सुबोध की विधवा श्रीमती सीमा और शहीद हेमराज की विधवा श्रीमती धर्मवती के इस बयान को भी दरकिनार कर डाला कि शहीद की शहादत पर का राजनीतिकरण ना किया जाए। एक तरफ मोदी सरकार और भाजपा देश के सैनिकों और सर्जिकल स्ट्राइक का राजनीतिक फायदा लूटने की होड़ में हर हथकंडा अपनाए है, और दूसरी तरफ मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ एक दृढ़ नीति व दिशा प्रदान करने और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को रोकने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। शायद यही कारण है, और मोदी सरकार की विफलता का सबसे बड़ा सबूत यही है कि सितंबर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद 146 सैनिक शहीद हो चुके। पाकिस्तान 1600 से अधिक बार नियंत्रण रेखा का उल्लंघन कर चुका, और 79 आतंकवादी हमलों ने सरकार के झूठे दावों की पोल खोल दी है। सेना के प्रति मोदी सरकार का दुराग्रह व दोगली तथा खोखली बातें केवल इस बात से साबित हैं कि सरकार ने सेना के बजट में कटौती कर वे आधुनिक सुरक्षा उपकरण मुहैया ना करवा साफ तौर से देश की सेना से सोतेला व्यवहार किया है। मजबूरन वाइस चीफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल शरद चंद्र को सार्वजनिक तौर से ये कहना पड़ा कि सेना के पास 68% हथियार विंटेज हैं, यानी इस्तेमाल योग्य नहीं है। सेना के बजट में कटौती की वजह से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से आने वाली खरीद 94% से घटाकर 50% करने का निर्णय लिया गया है, जिसके चलते अब हिंदुस्तान के फौजी को ना ड्रेस मिलेगी, ना कॉम्बैट ड्रेस मिलेगी, ना बेल्ट्स मिलेंगी, ना जूते मिलेंगे, ना दूसरे उपकरण मिलेंगे, और ये सब उनको स्वयं खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। छदम राष्ट्रवादियों ने जो सेना के साथ दुर्व्यवहार और भेदभाव किया है, उसका सबसे बड़ा प्रमाण है रक्षा संसदीय समिति की रिपोर्ट, जिन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, उरी के हमले के बाद, डोकलम के स्टैंड ऑफ के बाद कोई पैसा आधुनिकीकरण के लिए सेना को मोदी सरकार द्वारा नहीं दिया गया। और चौंकाने वाली बात यह भी रक्षा मामलों की संसदीय समिति ने कही कि आधुनिकीकरण का पैसा तो सेना को देना दूर, उल्टा जो पैसे की खरीद जारी है उसके लिए 29,000 करोड़ रुपए चाहिए, परंतु मोदी सरकार ने मात्र 21,000 करोड़ दिया, यानी के चालू खरीद भी पूरी नहीं हो पाएगी। सेना से भेदभाव करने वाली मोदी सरकार का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि एक साल से भारतीय सेना के ऑफिसर्स का राशन मोदी सरकार ने बगैर कारण बताए गैर कानूनी तरीके से बंद कर रखा है। सेना से भेदभाव का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि एक साल से मोदी सरकार ने सेना के जवानों का मसाला भत्ता बंद कर रखा है। सेना से दुर्भावना का मोदी सरकार का इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा
कि रेजिमेंट अलाउंस एक साल से मोदी सरकार ने घटाकर आधा कर दिया है। सेना से दुर्भावना का इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि सेंट्रल कैंटीन, जहां पर सस्ते दरों में सैनिकों को आम जरूरियात की वस्तु मिलती है, उस पर मोदी जी और जेटली जी ने जीएसटी कर पहली बार लगा दिया है, जो हमेशा कर मुक्त रही। दोस्तों, एक तरफ तो मोदी सरकार जय जवान जय किसान के नारे का राजनीतिक शोषण कर रही है, तो दूसरी तरफ सर्जिकल स्ट्राइक की वीर गाथा को वोट हथियाने के लिए इस्तेमाल करने की शर्मनाक कोशिश। झूठे जुमलों से ऊपर उठ अब देश जवाब मांग रहा है। हम पूछना चाहते हैं कि श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में हुई और श्रीमान डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में हुई जो सर्जिकल स्ट्राइक और सैन्य ऑपरेशंस थे, उनकी सफलता को लेकर छाती पीटने और छदम राष्ट्रवाद दिखाने के लिए क्या इन दोनों प्रधानमंत्रियों या उनकी सरकार ने मोदी जी की तरह कभी कोशिश की थी? हम पूछना चाहते हैं और कि कूटनीतिक और सामरिक निर्णय दूरगामी परिणामों को सुनिश्चित करने, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने खामोशी से लिए जाते हैं, छाती पीट कर नहीं। क्या मोदी सरकार ने इस सैन्य कार्रवाई के बाद वोट बटोरने की कुचेष्टा और अपना 56 इंची सीना झूठी तौर से दिखाने हेतु इन सारे मामलों को सार्वजनिक कर सीमा पर तैनात सैनिकों व सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों दोनों की सुरक्षा को खतरे में डालने का काम नहीं किया है? हम पूछना चाहते हैं कि क्या मोदी सरकार देश की सुरक्षा के बुनियादी ढांचे को खतरे में नहीं डाल रही है? हम पूछना चाहते हैं क्या मोदी सरकार सही उपकरण व बजट ना देकर देश के सैनिकों की जान को जोखिम में नहीं डाल रही है? हम पूछना चाहते हैं कि जब जब नरेंद्र मोदी जी व अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी पर असफलता यानी फेल होने का संकट मंडराता है, तो तब तब उन्होंने सेना के शौर्य को सियासी तौर पर भुनाने की याद क्यों आती है? फिर इसके लिए चाहे सेना और चाहे सीमावर्ती नागरिकों को कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े? हम ये भी पूछना चाहते हैं कि क्या मोदी सरकार देश के बहादुर सैनिकों की वीर गाथा का दुरुपयोग कर राजनीतिक फायदे के लिए उनके बलिदान की वेदी पर राजनीतिक सिंहासन सजाकर वोट नहीं बटोर रही, इसका प्रयास नहीं कर रही? हम पूछना चाहते हैं कि अगर देश के सैनिकों का झूठे राष्ट्रवादियों को इतना ही ख्याल है, तो 3 साल से इस देश के पूर्व सैनिक आंदोलनरत हैं। 3 वर्षों से स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त पर देश के पूर्व सैनिकों को दिल्ली पुलिस ने घसीटकर मारा और गिरफ्तार कर लिया, परंतु 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया। क्या यही आपका छदम राष्ट्रवाद है? मोदी जी, सेना का शौर्य गर्व का विषय है, राजनीति और वोट बटोरने का साधन नहीं। हमें उम्मीद है कि हेडलाइन मैनेजमेंट से पहले आप इस मूलभूत सिद्धांत को अवश्य ख्याल में रखेंगे। आदरणीय साथी, इन सब की संख्या डेट वाइज और सेक्टर वाइज मैंने बता दी है, समेत सितंबर 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक के, 2000 से पहले भी हमारी सेना बहादुरी और पराक्रम का परिचय देती रही है, 1947 से आज तक और सदियों बाद भी देती रहेगी, क्योंकि ये देश अगर आज़ाद है, इस देश के लोग अगर स्वतंत्र और खुली हवा में सांस लेते हैं, तो उसके लिए बहुत सारा श्रेय हमारे बहादुर सैनिकों, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस को जाता है। हमें इस बात का मान है।
प्रश्न बड़ा सीधा है, एक सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो आपने जारी किया, उसकी आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि देश सेना का सम्मान करता है, और अगर सेना एक शब्द भी कह दे तो वो शब्द भी श्रीमद् भगवद गीता में लिखे शब्द के बराबर है और हम सब उसको स्वीकार करते हैं। परंतु आपने वीडियो जारी किया, अच्छी बात है। सवाल ये है कि क्या आप सेना के शौर्य, सेना के बलिदान, सेना के पराक्रम, सेना के साहस का इस्तेमाल केवल और केवल राजनीतिक वेदी पर रोटियां सेकने के लिए करेंगे? पराक्रम और कुर्बानी सेना दे, महिमा मंडन हो मोदी जी का, ये नहीं चलेगा। क्योंकि जैसा शहीदों की विधवाओं ने अनेकों बार कहा, मोदी सरकार को राय दी कि सैनिकों की शहादत का मोदी जी राजनीतिकरण मत करिए, क्योंकि सैनिकों की शहादत शौर्य गाथा है, गर्व की शौर्य गाथा पूरे देश के लिए। ये राजनीतिक रोटी सेकने का माध्यम कभी नहीं हो सकती। आदरणीय साथी, भारतीय जनता पार्टी के ही दो वरिष्ठ नेताओं ने वो प्रश्न उठाए थे। उनमें से एक सम्मानित पूर्व वित्त मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हैं, एक देश के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल के। मुझे लगता है ये विषय उनका एक आंतरिक मामला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष और यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी वो पहले नेता थे और कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने आगे बढ़कर वक्तव्य दिया और कहा कि हम हमारी सेना के पराक्रम और साहस की प्रशंसा करते हैं और सरकार का समर्थन करते हैं कि वो पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से एक निर्णायक निर्णय उन्होंने लिया है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दो राय हो सकती है, और दो राय का ये प्रश्न है ही नहीं। इसीलिए आज फिर मैंने उस विषय को दोहराया, पर यह भी इस देश को आगाह होने की ज़रूरत है कि हर बार जब मोदी सरकार फेल होने लगती है, हर बार जब अमित शाह जी की भारतीय जनता पार्टी हारने लगती है, तो वो सेना के शौर्य का दुरुपयोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए क्यों करते हैं? और क्या कारण है कि सेना ने तो पराक्रम दिखाया, सेना ने तो अनेकों बार सर्जिकल स्ट्राइक किया, पर क्या मोदी जी ने भी राजधर्म निभाया? क्या मोदी सरकार भी अपनी कसौटी पर खरा उतर पाई? क्योंकि अगर खरा उतरती तो सितंबर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद 146 सैनिक शहीद ना होते। सितंबर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की ये हिम्मत ना होती। अगर मोदी जी पाकिस्तान को लेकर ठोस नीति अपनाते कि वो 1600 बार हमारी LOC का उल्लंघन कर जाए, उग्रवादी जिनको पाकिस्तान की सरकार का संरक्षण प्राप्त है, ये मोदी जी की ढुलमुल नीति का परिणाम है कि 79 times उग्रवादी आकर हमारे देश पर हमला करने की जरूरत कर दें, हमारे सैनिक और सीमावर्ती क्षेत्रों में बसे हमारे नागरिक तो आए दिन पाकिस्तानी आतंक से और पाकिस्तानी सेना से लोहा लेते हैं, पर दिल्ली में बैठे झूठी 56 inch का सीने की बात करने वाले नेतागण उस सीने को कब और कैसे पाकिस्तान को दिखाएंगे? प्रश्न ये है। ये प्रश्न उनसे पूछा जाना चाहिए जिनके मन में छटपटाहट है, या उनसे पूछा जाना चाहिए जो एक विशेष डिस्कोर्स पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर दोहराता हूँ, हमारी सेना का पराक्रम शायद दुनिया में सबसे बेहतरीन है। उनके साहस और कुर्बानी की गाथा 1947 से आज तक 132 करोड़ भारतीयों की जबान पर है। पर सेना से जो भेदभाव किया जा रहा है, सेना से जो दुराग्रह बरता जा रहा है,
सेना के साथ जो जो भेदभाव की नीति मोदी सरकार अपना रही है, सेना के ऊपर जिस प्रकार बजट काट कर या उपकरणों के आधुनिकीकरण ना करके खतरे के बादल मंडराए जा रहे हैं, उसको लेकर देश के हर नागरिक को समेत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चिंता अवश्य है। क्या कारण है, क्या कारण है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जो खरीद है वो 94% से कम कर 50% करने का प्रपोजल है? क्या अब हमारे सैनिकों को अपनी वर्दी, जिस वर्दी में वो तिरंगे में लिपट कर वापिस आते हैं परंतु भारत माता का झंडा कभी नीचे नहीं होने देते, उनको अब अपने पैसे से खरीदनी होगी? अपने बूट और बेल्ट, अपने कॉम्बैट ड्रेस देने के लिए क्या मोदी सरकार के पास पैसा नहीं रहा? क्या आर्मी वाइस चीफ ने सही कहा, लेफ्टिनेंट जनरल शरद चंद्रा ने, कि 68% इक्विपमेंट अब विंटेज बन गया है, यानी उपयोग लायक नहीं रहा? क्यों सेना के सैनिकों का उन्होंने मसाला भत्ता एक साल से बंद कर रखा है? क्यों सेना के अधिकारियों का राशन जबरन एक साल से बंद कर रखा है? क्यों रेजिमेंट की जो अलाउंसेज हैं उनको आधा कर दिया गया है? क्यों कैंटीन से मिलने वाले सामान पर अब GST लगा दिया गया है? क्यों सेना के साथ भेदभाव बरता जा रहा है? एक तरफ सेना का नाम लेकर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और दूसरी तरफ भारतीय सेना से और अर्ध सैन्य बलों से भेदभाव भी करते हैं। ये दोगली नीति नहीं चलेगी मोदी जी। वेल, टाइम्स नाउ हैव फार ग्रेटर विजडम देन इंडियन आर्मी, so I can't comment upon such innate wisdom. I've answered your question. Well, let me say that the valor and bravery of our armed forces should not be, cannot be, and never be gauged in terms of partisan politics or political parties. Anyone who seeks to do so is dishonoring the valor and bravery, the innate competitiveness and competence of our soldiers who lay down their lives every day so that you and me can have and breathe in a free India on a daily basis. I think I have given some instances sector-wise. Some of them are of Shri Vajpayee's time when Bharatiya Janata Party was in power. Some of them are of UPA's time. Some of them are, one of them is also of the current regime. So let us not divide the Indian Army on political lines, for heaven's sake, as Modi government is seeking to do. That's my appeal to all the friends in the media. दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने देश की सेना की 70 साल की गौरव गाथा का अपमान किया उस दिन जब उन्होंने ये कहा कि 68 साल में पहली बार देश की सेना ने LOC क्रॉस की। सार्वजनिक तौर से उसी दिन उस देश के शहीदों से, इस देश के हर सैनिक परिवार से, इस देश के 132 करोड़ नागरिकों से उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए थी। इस देश के सैनिकों ने, अमित शाह जी जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तो 1947 की लड़ाई लड़ी थी। इस देश के सैनिकों ने 1962 का युद्ध लड़ा था। इस देश के सैनिकों ने देश का झंडा उठाकर, भारत माता की जय बोलकर 1965 और 1971 की लड़ाई लड़ी थी। 1999 का कारगिल युद्ध लड़ा था। और इस देश के सैनिकों ने आए दिन पाकिस्तान से आने वाला जो युद्ध विराम का उल्लंघन और वहां से आने वाले आतंकियों, उनसे लोहा इस देश के सैनिक लेते हैं ताकि आप लच्छेदार भाषण देकर इस देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास करें। कम से कम इस देश की सेना पर
तो राजनीति मत कीजिए, इतना तो समझ लीजिए। और हो सकता है कि मोदी जी और अमित शाह जी को अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल अच्छा ना लगता हो, तो ये भी बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में भी, और ये मैं नहीं कह रहा, बाकायदा यूनाइटेड नेशंस को इनमें से कई कंप्लेंट पाकिस्तान की सरकार के द्वारा हिंदुस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक्स के बारे में फाइल की गई। तो हो सकता है अमित शाह जी को अटल बिहारी वाजपेयी जी का चेहरा और उनकी सरकार का कार्यकाल अब अच्छा ना लगता हो, परंतु क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को भी अब अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल भाजपा के इतिहास से मिटाना पड़ेगा? क्योंकि ये कार्यकाल पार्टियों का नहीं, ये देश की सरकारों का है। उस वो चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो वाजपेयी जी की सरकार रही हो, और चाहे मौजूदा सरकार हो, हमारी सेना ने राजनीति से ऊपर उठकर, राजनेताओं के दबाव से भी ऊपर उठकर हमेशा देश की रक्षा के लिए हर वो कार्य किया है जिसे करे किए जाने की आवश्यकता है। लास्ट क्वेश्चन, आई हैव टू लीव एक्चुअली। मैंने इस प्रकार का कोई बयान पढ़ा नहीं, परंतु मैं एक ज़रूर कहूँगा, किसी को पूर्वाग्रह से कांग्रेस का चेहरा या कांग्रेस अध्यक्ष का चेहरा पसंद हो या नहीं हो, हम सादर भाव से, विनम्रता से उनका सम्मान और उनके प्रति सदाचार हमेशा अपने मन में रखेंगे। धन्यवाद।